स्वागत है आप लोगों का मेरे एजुकेशन चैनल होम साइंस विद पूजा और जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। पिछली वीडियो में हमने पोषण विज्ञान की कुछ बेसिक नॉलेज ली थी। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर आई हूँ जिसके द्वारा आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन हैं आपके होम साइंस फर्स्ट ग्रेड नेट JRF और PhD का जो एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे और कई बार इनमें से क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसमें विनाशकारी प्रक्रियाएं होती हैं? ऑप्शन में पूछा गया है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसमें विनाशकारी प्रक्रियाएं होती हैं। पहला ऑप्शन है अपचय, उपचय और चयापचय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपचय। फाइबर का पाचन छोटी आंत में होता है, कहाँ होता है ये पूछा गया है कि ये सही है या गलत है। तो आपको ये पता ही है कि फाइबर का पाचन नहीं होता है। फाइबर जो है हमारी आंतों के क्रमानुपुंचन गति को बढ़ाने में सहायक है, साथ ही हमारे शरीर में बनने वाले वेस्ट मटेरियल्स को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत, मतलब फाइबर का पाचन नहीं होता है। अवशोषण की प्रक्रिया पाचन के बाद होती है, इसमें भी यही पूछा गया है कि ये क्वेश्चन जो है ये कथन जो है सही है या गलत है। तो सही है, अवशोषण की प्रक्रिया जो है पाचन के बाद ही होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सही। जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण कहाँ होता है ये पूछा गया है। ऑप्शन है बड़ी आंत, छोटी आंत और आमाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ी आंत, जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। पोषण की दो अवस्थाएं हैं, पोषण की दो अवस्थाएं पूछी गई हैं और इसमें है इसकी जो पोषण की जो दो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है? सुपोषण और कुपोषण। हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने का कार्य करता है। पूछा गया है कि कौन इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे इम्प्रूव करता है। तो ये तीन पोषक तत्व दिए गए हैं, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा विटामिन। भोजन जीवन की आधारे आवश्यकता है, ये कथन किसका है? युटकिन, सुभांगनी जोशी एंड टर्नर। तो सही आंसर हो जाएगा सुभांगनी जोशी। तत्वों की संख्या पूछा गया है कि यहाँ पर पूछा गया है कि आप क्वेश्चन पे एक बार फोकस कीजिए कि मनुष्य शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए पोषक तत्वों की संख्या पूछी गई है। तो इसमें क्या है ऑप्शन दे रखे हैं 21, 45 एंड 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संपूर्ण आहार माना गया है, एक संपूर्ण आहार किसे माना गया है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, दालें, चपाती एंड दूध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दूध। दूध को एक प्रक्रियाएं होती है, निर्माणकारी प्रक्रियाएं कहाँ पर होती है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, उपचय, अपचय और चयापचय। तो निर्माणकारी प्रक्रियाएं कहाँ पर होंगी? उपचय में। और विनाशकारी प्रक्रियाएं किस में होंगी? अपचय में। और चयापचय जो है अपचय, अपचय, अपचय और उपचय का एक संयोजन है। इन दोनों प्रक्रियाओं को मिलाकर चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया बनाई गई है या मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया का निर्माण हुआ। पदार्थों में निम्न पोषक तत्वों को बढ़ाता है, क्वेश्चन पूछा गया है कि अंकुरण के द्वारा पोषक पदार्थ, कौन सा पोषक पदार्थ जो है वो खाद्य पदार्थों में उसकी वृद्धि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी की वृद्धि हो जाती है अगर हम कोई भोज्य पदार्थ को अंकुरित करते हैं, जैसे कि दालें हैं, मूंग वगैरह होती है, अगर हम उसे अंकुरित करके खाते हैं तो उसमें विटामिन सी की वृद्धि होती है। निम्न अमीनो एसिड में से फाइबर में नहीं पाया जाता, क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइबर में कौन सा अमीनो एसिड नहीं पाया जाता। यहाँ पर अमीनो एसिड के लिए कुछ क्लासिफिकेशन दे रखे हैं, जैसे कि ग्लाइसिन, एलानिन और सिस्टीन। पूछा गया कि इनमें से कौन सा अमीनो एसिड फाइबर में नहीं पाया जाता।
इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है फाइबर में नहीं पाया जाता। स्तनपान के दौरान निम्न पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पूछा गया है कि स्तनपान के दौरान निम्न पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है। अधिक पूछा गया है मतलब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, फॉलिक एसिड, विटामिन और आयरन, इन सब की जरूरत तो होती है, परंतु सबसे अधिक मात्रा में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनका उनके बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन, फॉलिक एसिड और ब में है विटामिन और आयरन, स में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन अ, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोटीन, विटामिन और फॉलिक एसिड की स्तनपान के और गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। फोर्टीन क्वेश्चन है ओमेगा थ्री वसा के अच्छे स्रोत हैं। मतलब ओमेगा थ्री जो है उस इन ऑप्शन में से ओमेगा थ्री सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? अखरोट, मछली, मक्खन, अंडा। तो इसमें कूट दी गई है, फर्स्ट कूट में दिया गया फर्स्ट और सेकंड, ब में सेकंड और फोर्थ, और स में थर्ड और फोर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी अखरोट और मछली में ओमेगा थ्री जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। शहद में मुख्यतः होता है, शहद में कौन सा पोषक तत्व होता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो शहद में मुख्यतः पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। पूछा गया है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो है पाचन के दौरान किस रूप में स्टोर होता है या संचित होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, शुगर, स्टार्च या ग्लाइकोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। मानव शरीर में पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, और जब हमें ऊर्जा की जरूरत होती है उस समय ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में टूट कर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो फास्ट वगैरह होता है या किसी अन्य कारण से अगर हमने भोजन नहीं किया होता है तो वो ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज के रूप में टूट कर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। 17th क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें पूछा गया है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है किसके द्वारा प्रदान की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और प्रोटीन। तो आपको पता ही है कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य ऊर्जा देना है, और अगर यहाँ पर विटामिन की जगह वसा होता तो इसका सही आंसर वसा होगा, परंतु अभी यहाँ पर वसा दिया नहीं गया है तो कार्बोहाइड्रेट होगा, क्योंकि विटामिन के द्वारा तो इम्यूनिटी सिस्टम इम्प्रूव होता है, इसके अलावा कई सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। प्रोटीन के द्वारा प्रोटीन हमारी वृद्धि और विकास में सहायक है। तो मुख्य कार्य जो ऊर्जा देने का है वो कार्बोहाइड्रेट का है। तो सही ऑप्शन या सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। 18th क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ शरीर में ईंधन का कार्य करता है। मतलब पूछा गया है कि पाचन के बाद जो है ईंधन के रूप में कौन सा पोषक तत्व कार्य करता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। लास्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण किस पदार्थ का बना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोटीन, अंडे के छिलके या स्टार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्च। आंसर सीरीज है यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, और बने रहिए इसी तरह मेरे एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नए चैप्टर जो कि है कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये हर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें पूछा जाता है। इसमें से लगभग 3-4 क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, और इसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपके साथ
सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए और सफलता आपके कदम चूमे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके सभी डाउट्स और सभी क्वेश्चंस के साथ। ओके, बाय।